हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को देखने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी तक डील कर रखा है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में होगा, आप एक बार उसको चेक कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होता है और कैसे होता है। तो सबसे पहले तो हमारे पूरी बॉडी में दो जगह गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी कि सबसे पहला जो होगा एल्वियोलाई पे और दूसरा जो आएगा वो ब्लड और टिश्यू के लेवल पे होगा। तो एल्वियोलाई को एनसीईआरटी ने प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस कह रखा है, और ब्लड और टिश्यू यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होगा वो ब्लड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू में भी आकर के वो चलेगा, यानी O2 और CO2 का एक्सचेंज वहाँ भी होगा। और वो कैसे होगा, तो बाई सिंपल डिफ्यूजन। तो एल्वियोलाई हो गया हमारा यहाँ प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। और ये जो O2 और CO2 का एक्सचेंज हो रहा है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में हो रहा है। अब आते हैं हम लोग किस सॉल्युबिलिटी और थिकनेस जो होगी मेम्ब्रेन की, वो इन्वॉल्व करता है डिफ्यूजन में, और वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है या रेट ऑफ डिफ्यूजन के लिए, यानी कि गैसेस की सॉल्युबिलिटी और मेम्ब्रेन की थिकनेस डिसाइड करेगी कि गैसेस का डिफ्यूजन रेट क्या होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं जो हमारे एनसीईआरटी में जो चार्ट दे रखा है कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्लड में इन्वॉल्व होता है डिफ्यूजन के लिए, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो रिस्पायरेटरी गैसेस है, फिर एटमॉस्फेरिक एयर एल्वियोलाई, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू। तो O2 हुआ यहाँ और CO2। तो एटमॉस्फेयर में O2 ज़्यादा है, CO2 कम है। O2 159 है और CO2 0.3। एल्वियोलाई आ गया, तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि एल्वियोलाई में O2 ज़्यादा है और CO2 कम। डिऑक्सीजनेटेड ब्लड में O2 कम है और CO2 ज़्यादा। ऑक्सीजनेटेड में O2 ज़्यादा और CO2 कम। टिश्यू लेवल पे O2 कम होगा और CO2 ज़्यादा। तो अब आते हैं एनसीईआरटी के लाइन में ये कह रखा है कि CO2 की सॉल्युबिलिटी जो होगी वो 20-25 टाइम्स हायर होगी O2 से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं और ये इस पर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं। अब ये देखते हैं कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या होता है और कितने तरह का। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन तीन लेयर में ये डिवाइडेड होता है। सबसे फर्स्ट होगा थिन स्क्वैमस एपिथेलियम, और फिर सेकेंड जो होगा वो बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, और थर्ड जो होगा वो इंडोथीलियम होगा। और इसका टोटल थिकनेस जो होता है वो लेस देन 1 मिलीमीटर से भी वो कम होगा। टोटल थिकनेस इज मच लेस देन 1 मिलीमीटर, यानी कि ये 1 मिलीमीटर से भी इसकी थिकनेस कम होती है। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जो है उसको, तो इसको याद करने के लिए आप बस ये सिंपल सा चार्ट बनाएंगे, आपको एकदम याद रहेगा कि ब्लड तो O2 और CO2, O2 को कौन लेकर के जाएगा, कितने जन लेके जाएंगे, तो O2 को 2 जन लेके जाएंगे। एक जो जाएगा वो 97% लेके जाएगा और दूसरा जो है वो 3% लेके जाएगा। तो 97% वाला जो लेके जाएगा वो आरबीसी में वो लेकर के जाएगा, यानी कि ट्रांसपोर्टेटेड बाय आरबीसी होगा यहाँ। और 3% वाला जो होगा वो प्लाज्मा कैरी करेगा, ठीक है, वो भी डिजॉल्व स्टेट में। फिर CO2 जो होगा वो 20-25% आरबीसी ले जाएगा उसको। फिर 70% जो होगा बाइकार्बोनेट, और 7% जो होगा वो भी डिजॉल्व प्लाज्मा उसको कैरी करेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।